नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है भुजिया और बदाना। ये रेसिपी हमारा पंजाब में ज़्यादा फेमस है। तो भुजिया को सेव कहा जाता है और बदाना को मीठी बूंदी कहा जाता है, और कहीं कहीं तो भुजिया बदाना ही कहा जाता है, ज़्यादातर पंजाब में। तो आज हम बनाएंगे भुजिया और बदाना। तो रेसिपी हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमने ये जो माँ की दाल होती है, माँ जो बगैर छिलके वाली दाल होती है, इसको हमने 250 ग्राम भिगोया था और भिगो के इसको पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह हम मिक्सी में पीस लें या सिलबट्टी पे पीस लें। इसको पीसने के बाद इस तरह हम कढ़ाई में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का छिट्टा लगाएंगे। उसके बाद में हाथों से इसको फेंटते रहेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी का छिट्टा लगाना है। जो 250 ग्राम दाल हमने भिगोया था, ये इसको उड़द की दाल भी कहा जाता है, बगैर छिलके वाली धोई भी कहा जाता है और माह की दाल भी कहा जाता है। तो इसको हम इस तरह फेंटेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी का छिट्टा लगाएंगे जो हमने 250 ग्राम दाल भिगोया था। तो जब इसको हम पीसते हैं तो ये डबल हो जाता है, मतलब 250 ग्राम दाल हमने भिगो के पीसा हो तो 500 ग्राम बन जाता है। और इस तरह जब हम फेंटते रहते हैं तो ये काफ़ी दिखाई देता है, इसमें बिल्कुल जो हवा होती है भर जाती है। ये देखिए, बिल्कुल ये फुल में बन जाते हैं। देखने में तो ज़्यादा लगता है, लेकिन ये 500 ग्राम दाल हमारा पीसा हुआ तैयार हुआ। अब इस तरह फेंटेंगे तो ये बिल्कुल फुल में हो जाते हैं। फेंटने से इस तरह फूल जाता है, पानी के ऊपर जब हम डालते हैं तो बिल्कुल ये फूला हुआ होता है, ऊपर तैरता रहता है। तो इस तरह हम फेंट के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में इसको हम एक डोंगे में निकाल देते हैं, उसी डोंगे में जिसमें हमने पहले रखा था, इसी डोंगे में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। उसके बाद इसमें हम निकाल देते हैं, क्योंकि दाल हमारा अच्छी तरह फेंट गया है, ये अच्छी तरह फुल में बन गया है। अब हम इसको एक डोंगे में निकाल देते हैं। ये देखिए, इस डोंगे में निकालने के बाद कढ़ाई को हम खाली कर लेंगे। उसके बाद उसी कढ़ाई में हम बेसन और मैदा ऐड करेंगे। तो ये हम दाल जो अच्छी तरह फेंट के रखा है, इसको अलग रखते हैं। अब इस कढ़ाई में थोड़ा सा हम बेसन ऐड करेंगे, ये ज़्यादा नहीं, 50-60 ग्राम बेसन बारीक है चने का। इस तरह हाथों से थोड़ा पानी ऐड करके और इसको फेंट लेंगे, जिससे इसकी डरी ख़त्म हो जाती है। बाद में इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं, जिससे ये पतला हो जाता है। ये देखिए, अब ये हमारा बेसन अच्छी तरह फेंट गया। इसमें हम कम से कम 1 लीटर पानी हम डाल देते हैं। ये देखिए, ठंडियों में गर्म पानी रखा जाता है, लेकिन गर्मी में कोई ज़रूरत नहीं होती गर्म पानी की। उसके बाद इसमें हम 1 केजी मैदा ऐड करेंगे। हम 1 केजी मैदा का बनाएंगे मीठी बूंदी। इस मैदे में थोड़ा येलो कलर ऐड कर देंगे, हम येलो कलर की मीठी बूंदी बनाएंगे। साथ में ये देखिए, 1/2 चम्मच मीठा सोडा ऐड करेंगे। मतलब हमारा जो मीठा सोडा है, ये 5-6 ग्राम के बीच में है। और ये देखिए, इस तरह थोड़ा पानी डाल के और इसको हम गाढ़ा बैटर पहले रखेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, गाढ़ा इसको फेंट लेंगे, जिससे इसकी डरी ख़त्म हो जाती है गाढ़ा फेंटने से। बाद में इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं, पहले हम गाढ़ा ही इसको फेंट लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के पतला कर लेते हैं। आप ये जानिए कि इसमें 1 लीटर और 500 ml तक पानी लग जाता है, मतलब 1.5 लीटर पानी हमारा लग जाता है। और इस तरह फेंट के तैयार जब हो जाता है तो इसमें हम दाल वही जो फेंट के रखे हैं वो मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको यहीं छोड़ देते हैं, 10-20 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है, कढ़ाई रखा है और इस कढ़ाई में हमने 2 लीटर पानी ऐड किया है। अब यहाँ हम 5 केजी शुगर ऐड करेंगे। अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर हिलाते रहेंगे, थोड़ी देर बाद ये शुगर हमारा मेल्ट हो जाता है और चाशनी बन के कम्प्लीट हो जाती है। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद ये उबाला आ जाता है। अब ऊपर इसके मैल आ जाता है, मैल पहले हम साफ़ कर देते हैं और थोड़ी देर इसको पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद ये पतली सी तार बनने लगती है। ये देखिए, इस तरह तार बनने लगती है, बिल्कुल पतली तार हो, ज़्यादा तार वाली ना हो। इस तरह पतली तार जब बनने लगती है तब बस हमारी चाशनी कंप्लीट है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, टेस्ट के लिए थोड़ा सा रूह केवड़ा ऐड कर देते हैं और इस तरह थोड़ा हिला देते हैं, जिससे गर्म भाप निकल जाता है। अब यहाँ देखिए, ये हमारी डीजल भट्टी है, हम डीजल भट्टी पर ज़्यादा बनाते हैं। ऐसी भट्टी हर जगह नहीं मिलती है, इस तरह डीजल की भट्टी होती है, जो डीजल से ये चलती है और नीचे बिजली वाला मोटर लगा होता है उससे चलती है। ऐसी भट्टियाँ हर जगह नहीं मिलती हैं,
ज़्यादातर पंजाब में होता है। तो यहाँ हमने कढ़ाई में आयल डाल दिया है गर्म होने के लिए, कुछ आयल हमने यूज किया हुआ ऐड किया है जो पहले से हमने यूज कर रखा है, वो बीच में मिक्स कर देते हैं। इससे ये होता है कि जब हम बूंदी बनाते हैं तो बूंदी हमारी जुड़ती नहीं, बिल्कुल साफ तेल में होगी तो बूंदी थोड़ी थोड़ी जुड़ती है, इसलिए हमने यूज किया हुआ भी आयल इसमें मिक्स किया है। और ये देखिए जो हमने मैदे का बैटर बना के रखा है, बीच में दाल भी ऐड किया था, तो सारा बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है और यहाँ हमारी आयल गर्म हो रही है। उसके बाद ये हम पोना दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह का पोना हमारे पास होता है मीठी बूंदी वाला, ये देखिए ये हम हाथों से ही इस तरह हम लेप करते हैं और इस तरह ये गोल गोल सी बूंदी गिरती जाती है। हम बैटर दिखाए हैं आपको, उतना गाढ़ा हमें रखना पड़ता है, ये देखिए ये बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, इस तरह हम हाथ में ले लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल पतला सा होता है और इस तरह पोने के ऊपर हम लेप कर देते हैं। ये देखिए पोना हम कढ़ाई के ऊपर रख लेते हैं और इस तरह ये देखिए हाथों से थोड़ा थोड़ा हम उठा के इसके ऊपर लेप करते जाते हैं और गोल गोल सी बूंदी गिरती जाती है। ये देखिए इसको आप बैटर को डब्बू से भर के और पोने के ऊपर सीधा करके डाल भी सकते हो, तब भी गोल गोल सी बूंदी गिरी, लेकिन हमारा तरीका इस तरह है, हम हाथों में थोड़ा सा ले लेते हैं, लेप करते रहते हैं और इस तरह ये बूंदी गोल गोल सी गिरती रहती है। बस इसका बैटर ये जान लीजिए कि आप जलेबी के बैटर जैसा होता है और इस तरह ये गोल गोल सी गिरती रहती है। तो इस तरह ये हमारी बूंदी बनके तैयार होती है, इसे पीठी वाली बूंदी कहते हैं। इसमें हमने माँ की दाल मिक्स किया है, ये बूंदी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसको नमकीन भुजिए के साथ मिक्स करके खाया जाता है। अब इस तरह हम बनाते रहेंगे, इस तरह हम दूसरा बैच इस तरह ये देखिए थोड़ा थोड़ा हाथों में लेकर इस पोने के ऊपर लेप करते रहते हैं और ये बूंदी हमारी तेल में गिरती रहती है, ये देखिए, और ये अच्छी तरह गोल गोल सी बूंदी फूल जाती है। ये देखिए जब कढ़ाई में अच्छी तरह भर जाती है तो बस हम इस तरह काटना बंद कर देते हैं और इस तरह हम दूसरे झारने से इसको उलट पलट के इसको निकाल देते हैं, लेकिन इसको हम पहले कच्चा रखते हैं, ये हम जब 5-6 बैच हो जाता है तब इकट्ठा पकाते हैं। तो ये देखिए इस तरह 2 बैचेज हो गए, जब हम 5-6 बैचेज कर लेंगे तब हम इकट्ठा पकाएँगे। तो इसके बाद हम 5-6 बैचेज करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए तो इस तरह ये तीसरा बैच हमारा कंप्लीट हो रहा है, ये देखिए इसको कच्चा ही निकाल देते हैं। ये देखिए हमने 5-6 बैचेस कर लिए हैं, अब ये देखिए 5-6 बैचेस इकट्ठा पकाएंगे, थोड़ा सेक हम भट्टी का थोड़ा फ्लेम तेज करेंगे और इस तरह सारा बैच हम ऐड कर देंगे ऑयल में। ये देखिए पूरा गर्म ऑयल होता है, अब इसको थोड़ी देर हम पका लेंगे जिससे हमारी एक एक बूंदी अच्छी तरह पक जाए, पूरी कड़ाकी सी हो जाए। जब हम चाशनी में डालते हैं तो ये तुरंत भर जाती है, लेकिन इससे पहले जब अच्छी तरह ये पक जाती है, ये देखिए इसको कड़ाक से बोलती है, इसको दबाने से पूरी कड़ाक से बोलती है, तब हमारी बूंदी पक जाती है। अब इस तरह हम उठा के सीधा चाशनी में डाल देते हैं। तो इस तरह हम चाशनी में डालने के बाद इसको इस तरह चाशनी में मिक्स करते जाएंगे, ये देखिए ऊपर नीचे करते जाएंगे जिससे चाशनी हमारी अच्छी तरह भर जाती है। जब चाशनी भर जाती है इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं, उसके बाद इसको एक छाननी में निकाल देते हैं जिससे फालतू शुगर हमारा जो चाशनी है निचुड़ जाता है। ये देखिए यहाँ हमने एक छाननी रखा है, इसमें निकालते जाएंगे, इसमें हमारी जाली बनी होती है नीचे, नीचे एक हमारा परात रखा हुआ है उसमें हमारा चाशनी निचुड़ जाता है। तो इस तरह हमारी मीठी बूंदी बनके तैयार है, ये देखिए बिल्कुल गोल गोल से और खाने में बेहद टेस्टी होते हैं। इस तरह मीठी बूंदी आप बना सकते हो। अब देखिए उसी कढ़ाई में जो हमने बूंदी बनाई है उसी में हम 2 kg बेसन डालते हैं और हम बनाएंगे भुजिया जिसको सेव कहा जाता है। अब इस बेसन में हम 60 ग्राम नमक और 30 ग्राम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ये दोनों का वेट हमने कर लिया है। हम 1 किलो बेसन में 30 ग्राम नमक और 15 ग्राम लाल मिर्च ऐड करते हैं भुजिया बनाने के लिए, और इसमें हम 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे या सरसों का ऑयल भी डाल सकते हो, और इसको हम अच्छी तरह मुलायम सा गून के तैयार करेंगे। तो इसको दोनों हाथों से मिक्स करेंगे, मुलायम सा डो बना के तैयार करेंगे। ये देखिए इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, मुलायम सा रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इस तरह हम इसको गून के तैयार कर देंगे। इसमें 2 किलो बेसन में 1200 ml तक पानी हमारा लग जाता है और इस तरह मुलायम सा डो बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए
ये हमारा बेसन कंप्लीट है, बिल्कुल मुलायम सा होता है, नरम होता है, रोटी के आटे से भी मुलायम होता है। और ये हमारी भुजिया वाली मशीन है, इसमें हम जाली लगा देते हैं। ये देखिए, ये बारीक भुजिया वाली जाली है और इसमें हम लगा देते हैं। जितनी बारीक हमारी जाली होती है उतना बेसन हमें थोड़ा सा मुलायम रखना होता है। आपकी जाली ज़्यादा मोटी हो तो आप बेसन को थोड़ा टाइट रखना पड़ता है। और इस तरह हम मशीन में भर देते हैं, ऊपर से इस तरह हम इसको कस देते हैं। ये देखिए, नीचे हमने जाली डाल दिया है और इस तरह, ये देखिए, इस तरह कस देते हैं और इस तरह हम भुजिया बनाएंगे। ये देखिए जाली हमारी नीचे लगी हुई है। अब इसको हम जितना ही कसते जाएंगे जालियों से निकलता जाता है। ये देखिए, ऊपर से हम कसी जा रहे हैं और इस तरह ये जाली से निकलता जाता है। आयल पूरा गर्म होना चाहिए और आयल जब पूरा गर्म रहता है तो इस तरह हम घुमाते रहते हैं और ये हमारी भुजिया निकल जाती है। इसको सेव कहिए या आप भुजिया कह सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हमारे बारीक जाली से निकल जाता है। तो ये, इससे जालियाँ बारीक भी होती हैं, इससे मोटी भी होती हैं। भुजिया की जाली कई तरीके की आती है और इसको अच्छी तरह पका के जब ये ब्राउन हो जाता है तो इसको हम निकाल देते हैं। तो इस तरह हमारी भुजिया भी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ एक बैच हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा बैच हम डाल देंगे। आयल पूरा गर्म होना चाहिए, गर्म आयल में ही इस तरह हम जाली से निकालते रहते हैं, ऊपर से इस तरह मशीन को कसते रहते हैं और इस तरह जाली से निकलकर फ्राई होती रहती है कढ़ाई में। बस इसका सेंक कम नहीं होना चाहिए, आयल पूरा गर्म रहता है तो भुजिया हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए, पहला बैच हमने ट्रे में डाल दिया, दूसरा इस तरह, ये देखिए, फ्राई करते हैं। इसको पलट देते हैं एक बार और इस तरह पूरी अच्छी तरह इसको पका लेते हैं, ब्राउन कर देते हैं, पूरी कुरकुरी सी बन जाती है। तब इसको हम निकाल कर एक छाननी में रख देते हैं। ये देखिए, अब इसमें फालतू आयल जो होता है निचुड़ जाता है। तो इस तरह भुजिया भी हमारा कंप्लीट है। ये देखिए, पूरा कुरकुरा सा और बिल्कुल ये कुरकुरे से बन के तैयार है। बहुत खस्ता भुजिया भी तैयार है और हमारी बूंदी भी तैयार है। तो इस तरह आप भी बना सकते हो। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएँ।